लॉकडाउन के दौरान शहर में कई ऐसी जगह हैं जहां पर गरीब बेसहारा लोग रहते हैं। उन लोगों की मदद के लिए विभिन्न संगठन और राजस्थान सरकार द्वारा खाने की व्यवस्था की जा रही है। आइए देखिए शहर के कुछ जगहों का नजारा। अजमेर प्रशासन और भामाशाह द्वारा खाना नहीं आने के कारण आज लोगों के जन सहयोग से खाने की व्यवस्था की गई और 300 से अधिक लोगों को पुलाव बनाकर खिलाया गया। शक्तिनगर क्षेत्र में 500 से 600 लोगों को प्रतिदिन भोजन करवाया जाता है। आज यह व्यवस्था टीम और जन सहयोग द्वारा जरूरतमंद लोगों को भोजन कराकर की गई। कि आज की भोजन की व्यवस्था यह है कि हमें हमारे यहाँ प्रशासन की तरफ से रोज भोजन आता है, लेकिन आज की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई, इसलिए ये हमारे जो साथी हैं उन्होंने मिलजुल कर ये हमारे चावल की व्यवस्था की है। इसमें पुलाव बनाया है और इसमें 300 लोगों का खाने की व्यवस्था की गई है और इसमें हमारे गोभी आलू मटर जो भी पुलाव में डलता है जो सब कुछ डाला गया है। और 300 कौन सा क्षेत्र है आपका? ये हमारा क्षेत्र आम का तालाब, शक्ति नगर आम का तालाब है, ये लाइन के पास ट्रांसफार्मर के पास में है। यहाँ बहुत गरीब लोग रहते हैं। आज की भोजन की व्यवस्था प्रशासन की तरफ से नहीं हुई है। हाँ। यहाँ पर हम लोगों ने इकट्ठा करके ये चावल बनाए गए हैं। हाँ। ये पुलाव बना गया है, इसमें मटर वगैरह गोभी वगैरह इसकी करके आज 12 बजे से बैठे हैं यहाँ पर, 3 बजे जाकर ये बना हुआ बनाए जब जाके बटाए। बाकी प्रशासन की तरफ से कोई हमारे यहाँ ऊपर कुल कितने व्यक्तियों का खाना यहाँ पर? 300 व्यक्तियों का खाना बन रहा है। वैसे तो हर बार प्रशासन की तरफ से कोई ना कोई व्यवस्था हो जाती है भोजन की गरीबों ऐसा लोगों के लिए, लेकिन इस बार कोई व्यवस्था नहीं हो पाई थी। 12 बजे तक इंतजार करते रहे, उसके बाद हम सब लोगों ने मिलकर इस खाने की व्यवस्था की है। जैसे कि सब जो जरूरतमंद लोग हैं उन तक खाना पहुंच जाए। 3 बज चुके हैं, बनाते बनाते खाने की व्यवस्था करते करते हम गरीबों को जो जरूरतमंद लोग हैं उन तक खाना पहुंचा रहे हैं। क्या बनाएंगे? मिलकर पुलाव तक बनाए हैं जिसमें गोभी आलू चावल सब मिक्स करके जिस तरह हम व्यवस्था करते हैं जिसे हम खिला सकते हैं लोगों को, वो व्यवस्था हमने की है। कुल कितने व्यक्तियों का प्रतिदिन खाना खिलाते हैं? कम से कम हम लोग 300 के आसपास हम लोग खाना खिलाते हैं। आज भी वही व्यवस्था थी, लेकिन प्रशासन से हम लाचार थे आज, हम फिर भी हम लोगों सबने मिलकर मदद करके आपस में करीब 300 लोगों का खाना हम लोगों ने बनाया। इसी तरह जवाहर फाउंडेशन और पूर्वांचल जल चेतना समिति चैरिटेबल ट्रस्ट के संरक्षक रिजू झुनझुनवाला के निर्देश अनुसार वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की आपदा में दिहाड़ी मजदूर, रिक्शा चालक, भिक्षुक, निर्धन, असहाय और जरूरतमंद लोगों को अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय जैन और उद्योगपति राजेश गोयल के नेतृत्व में 1000 फूड पैकेट बांटे गए। कोरोना वायरस के चलते अजमेर शहर में लॉकडाउन के दौरान निर्धन, असहाय एवं जरूरतमंद लोगों को आज गुरुवार 2 अप्रैल को जवाहर फाउंडेशन के द्वारा एवं पूर्वांचल जन चेतना समिति द्वारा 1000 खाने के पैकेट वितरित किए गए। ये फूड पैकेट नाका बाजार, हाथेड़ की बगीची, नौसर घाटी, आम का तालाब, कल्याणीपुरा, धोला भाटा, आदर्श नगर, पृथ्वीराज नगर आदि क्षेत्रों में आदरणीय अजमेर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री विजय जैन के नेतृत्व में एवं पूर्वांचल जन चेतना समिति के अध्यक्ष श्री राजेंद्र गोयल के नेतृत्व में बांटे गए। इसी तरह एक पहल सेवा की और सामाजिक संस्था के शैलेश गर्ग और उनके बेटे द्वारा अपनी सेवा कार मारुति इको में सूखी राशन सामग्री जैसे सोयाबीन तेल, सभी तरह की दाल, साबुन, पेस्ट, नमक, चीनी उन गरीब और जरूरतमंद मजदूरों, खानाबदोश लोगों को वितरित कर रहे हैं जिन्हें इस संकट की घड़ी में बहुत जरूरत है। पूज्य सिंधी पंचायत पंचील नगर द्वारा लॉकडाउन के दौरान नागरिकों को हो रही परेशानी के मद्देनजर पंचील और वैशाली नगर क्षेत्र में राशन सामग्री का वितरण पहले किया गया। सिंधु भवन पंचील नगर से वाहनों में राशन सामग्री भरकर चौरसियावास और शास्त्री नगर क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों में राशन सामग्री का वितरण किया गया। संस्था अध्यक्ष राधा किशन आहूजा और सचिव मनोज कुमार मेंघाणी ने बताया कि सेवा के इस कार्य में शोभराज विधाणी, मुकेश आहूजा, सुरेंद्र लख्याणी, जयप्रकाश मुलाणी ने सक्रिय रूप से भाग लिया। बोलो,
आज पूरी सिंधी पंचायत पंचशील की तरफ से जब से लॉकडाउन हुआ है उसके नए डे से हम सेवा का काम कर रहे हैं प्रशासन से परमिशन लेकर के। और जैसा कि हमें मालूम पड़ रहा है कि बहुत ही ज़्यादा नीडी इंसान है कोई जो घर में रोज़ कमाने वाला रोज़ खाने वाला है, उन घरों को हम चुनित करके हम उनको सूखा पशुनी का सामान पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जैसे कि आटा, तेल, बेसन, शक्कर, चाय की पत्ती, मसाले वगैरह, बिस्किट के पैकेट, ये सभी करीबन एक हफ्ते का सामान हम देने का कार्य कर रहे हैं। हमारी सुबह दो गाड़ियां डेली सुबह दो गाड़ियां हमारे सिंधु भवन के कार्यकर्ता लेकर निकलते हैं। हम प्रशासन का भी पूरा सहयोग कर रहे हैं, जैसे धारा 144 लगी हुई है तो हम उसके अंदर दो दो बंदे ही जाकर के हम ये सेवा का काम करते हैं। धारा 144 की हम पालना कर रहे हैं और मैं प्रशासन को भी धन्यवाद देता हूँ कि हमारे लिए पुलिस प्रशासन, पुलिस अफसर, सफाई कर्मचारी, नगर निगम, डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, सरकारें सभी काम कर रही है। मैं आपको हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि आप घरों में रहें, घरों से बाहर न निकलें, आस पड़ोस का ध्यान रखें, बच्चों का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्ग का ध्यान रखें। पूर्व सिंधी पंचायत पंचशील नगर ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर रखी है जो कभी भी आप फ़ोन कर सकते हैं, हम सदा आपके लिए तैयार हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 9829071859। मैं आनंद मोटवानी पूज्य सिंधी पंचायत पंचशील का सदस्य हूँ। समिति द्वारा रोज जो भी ज़रूरतमंद है उनको सूखी सामग्री वितरित किया जा रही है। जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक ये सामग्री का वितरण किया जाता रहेगा। तो मेरी सभी से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूँ मैं आपसे, घर पर रहें और सुरक्षित रहें। जय माता दी। नवदुर्गा समिति व शहनशाह ग्रुप की ओर से पिछले चार दिनों से गरीब, असहाय व जरूरतमंद व्यक्तियों को बस्तियों पर जाकर भोजन वितरित किया जा रहा है तथा पुलिसकर्मी जो ड्यूटी पर तैनात हैं उनको चाय व बिस्किट भी वितरण की जा रही है। यह कार्य 14 तारीख तक जारी रहेगा तथा इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान दिया जा रहा है। यह कार्य नवदुर्गा सेवा समिति व शहनशाह ग्रुप की ओर से किया जा रहा है। इसी तरह वार्ड 34 में पार्षद चंचल बैरवाल और पार्षद पति निर्मल बैरवाल के नेतृत्व में सामाजिक कार्य करते हुए गरीब बेसहाराओं को खाना खिलाया और खाद्य सामग्री बांटी। गुजर धरती स्थित सुखाड़िया भवन में निर्मल बैरवाल द्वारा सभी गरीब बेसहाराओं को राशन की सामग्री भी बांटी जा रही है। आज जो सामग्री वितरित की गई है सूखी सामग्री है, इसके अंदर आटा है, दाल है, आलू है, बैंगन है, मतलब सब्जियां वगैरह सब कुछ वितरित किया गया है। ये करीब 600 लोगों को वितरित की जाएगी और करीब 4-5 दिन तक लगातार वितरित है। 150-150 क्योंकि इकट्ठा भीड़ नहीं करनी है, इस वजह से कम कम लोगों को बुलाकर हम लोग ये रोजाना सामग्री वितरित करेंगे। सरकार की पहल के ऊपर हमने वार्ड 34 के अंदर पार्षद चंचल बैरवाल, निर्मल कुमार बैरवाल कोली समाज क्षेत्र अध्यक्ष और हमारे दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी हेमंत भाटी जी के द्वारा आज वार्ड 34 के अंदर उन लोगों को सूखी सामग्री वितरण की गई है जिनका कि राशन कार्ड चालू नहीं है, ना तो APL चालू है, ना कोई BPL कार्ड है। जो गरीब तबके के लोग हैं वो उन लोगों को सामग्री ना तो सरकार के द्वारा मिल रही है, ना कोई भामाशाह के द्वारा मिल रही है। वो सभी ठेला मजदूर लोग हैं, उनके राशन कार्ड को हमने BLO द्वारा चिन्हित किया गया। हर बूथ
संख्या के ऊपर हमने हर आदमी को ऐसा चिन्हित किया जिन लोगों के राशन कार्ड चालू नहीं थे और उन लोगों को सरकार के द्वारा कोई योजना का लाभ भी नहीं मिल रहा था, ना तो उनको कोई राशन और सामग्री मिल रही थी, ना कोई किसी तरह की कोई अन्य सामग्री की सुविधा उनको प्राप्त हो पा रही थी। तो हम लोगों ने उनको चिन्हित कर उन लोगों को आज आटा, दाल, सब्जी, आलू वगैरह ये सब हमने वितरण किया है और आगे भी हमारी ये प्रक्रिया रहेगी। जब तक कि आपदा खत्म नहीं होती हम लोग इनकी हेल्प करते रहेंगे। और मैंने इन लोगों को बीएलओ के द्वारा सरकार से इनसे चिन्हित करवाया कि जब तक आपदा है इन लोगों को इनके राशन कार्डों को अतिशीघ्र इनमें भी उसी तरीके सामग्री दी जाए जिस तरह से एपीएल और बीपीएल के लोगों को दी जा रही है। क्योंकि मेरा वार्ड 34 एक स्लम एरिया है, कच्ची बस्ती का एरिया है, यहाँ पर सभी बीड़ी श्रमिक, ठेला मजदूर, नगर निगम में कच्चे कर्मचारी जो काम करते हैं सभी इस तरीके के लोग यहाँ पर हैं। और हमारे को हेमंत माटी जी का पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है, उनके द्वारा भी सामग्री के अंदर सहयोग किया गया और मेरी जो पत्नी पार्षद उनके द्वारा भी सहयोग किया गया। और मैं कोली समाज का शहर अध्यक्ष होने के नाते मैं ये चाहता हूँ कि मेरे वार्ड के अंदर कोई आदमी भूखा ना सोए, उनको आज मैं 12-13 दिन से पूरे वार्ड के अंदर सबको खाना वितरण कर रहा हूँ। यूनाइटेड एक संस्था के द्वारा भी हमारे को पूरा सहयोग मिल रहा है और मीडिया के द्वारा भी हमको पूरा समय समय पर सहयोग मिल रहा है। मेरे वार्ड के अंदर करीब करीब सभी लोगों को खाने की व्यवस्था की जा रही है और आज एक हमने एक नई पहल की है जो पूरे अजमेर क्या पूरे राजस्थान के अंदर नहीं की गई है। इन लोगों के बारे में किसी ने नहीं सोचा, जो लोग जिनका राशन कार्ड चालू नहीं है इन लोगों को कौन लोग सामग्री देगा, ना सरकार दे रही है ना कोई भामाशाह इनकी हेल्प कर रहा है। तो हमने एक नई पहल की है कि जिन लोगों का राशन कार्ड चालू नहीं है, जिनको सरकार के द्वारा कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है, उन लोगों को हमने चिन्हित कर करीब ठेले मजदूर, नगर निगम में काम करने वाले कर्मचारी, उनको हमने चिन्हित कर इनको राशन की सामग्री, सूखी सामग्री देने का काम शुरू किया। इसी तरह वार्ड नंबर 37 में समाज सेवी हेमंत चौहान द्वारा गरीब मजदूर दिहाड़ी करने वाले लोगों को रोजाना 300 पैकेट खाने के सुबह और शाम घर पर पहुंचाए जा रहे हैं। इस कोरोना महामारी के चलते हुए हमारे यहाँ दिन दिहाड़ी मजदूरी वाले और बीटी श्रमिक हैं जो अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहे हैं, इसी पहल के चलते हुए हमने उनके लिए खाने का बंदोबस्त किया है। हम सुबह शाम 300 लोगों का खाना घर पहुँचाते हैं और उनसे विनम्र आग्रह करते हैं कि अपने घर में सुरक्षित। इसी तरह लॉकडाउन के 10वें दिन नया बाजार निवासी भूपेंद्र गर्ग ने आज सेवा कार्य करते हुए गरीब मजदूर बेसहारा लोगों के करीब 500 परिवारों को खाना खिलाया। भूपेंद्र गर्ग ने बताया कि गुरुवार को बजरंगगढ़ चौराहा, जेएलएन अस्पताल और दौरई गांव में खाना बांटा गया। सांसद भागीरथ चौधरी ने वीडियो जारी कर कहा कि 8 विधानसभा के हर बूथ से 10-10 कार्यकर्ता कम से कम 100 रुपये की राशि पीएम केयर फंड में जमा कराएं। इस संकट के समय इस सहायता राशि से गरीब, बेसहारा और मजदूरों को सहायता मिलेगी।